सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी उसका अध्याय नंबर 1 प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो हम आज इसके 1.1 जो प्रश्नावली है उसको करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली नंबर 1.1। ये है प्रश्नावली 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये HCF हमें ज्ञात करना है, और किस माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो इसमें है 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255। तो पहले हम इन तीनों का करते हैं। इसमें क्या होता है, रियल नंबर ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डिविडेंड जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य, बराबर, इक्वल, डिविजर जिसको कहते हैं भाजक, मल्टीप्लाई, क्वेशेंट जिसको भागफल कहा जाता है, प्लस, रिमाइंडर जिसको शेषफल कहा जाता है। तो इस विधि से हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। इसका जो सूत्र है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता और b से बड़ा नहीं हो सकता। जिस साइड इसका मुंह खुला होता है वो सामने वाला बड़ा होता है। तो जीरो जो है वो आर के बराबर हो सकता है मगर आर से बड़ा नहीं हो सकता, और आर जो है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब छोटा होगा। तो यहाँ ए तो जो है वो है डिविडेंट, बी जो है वो है डिवाइजर, क्यू जो है ये है क्वेशेंट, और आर जो है ये है रिमाइंडर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 135 एंड 225, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम ये सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनको बड़ी और छोटी संख्या के रूप में इसके बीच में चिन्ह लगाते हैं। 135 135 स्मॉलर देन 225। तो ये जो छोटी संख्या होती है उसके विपरीत साइड इसका मुंह खुला होता है, मतलब बड़ी संख्या की ओर इस चिन्ह का निशान होता है। ऐसे अगर चिन्ह का निशान है तो यहाँ छोटी संख्या और यहाँ बड़ी संख्या, ऐसे चिन्ह का निशान है तो यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 225, किससे बड़ी है, 135। तो पहले चरण में क्या करते हैं, इसमें भाग दिया जाता है। तो भाग 135 में 225 का तो दिया नहीं जा सकता, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो 225 में 135 का भाग यहाँ दे रहे हैं। तो 135 की टेबल एक बार बोल लेंगे तो ये 135 135 आता है, दो बार करने पर ये ज़्यादा चला जाता है। तो एक बार किया तो 135 आ गया, और नीचे रिमाइंडर कितने बचते हैं, 90। तो इस स्टेप में क्या हो गया, 225 जो ए है मतलब भाज्य, बी यहाँ कितना आ गया, बी जो है वो भाजक जिससे भाग दिया जाता है, 135 क्या है, बी है, क्यों क्वेशेंट मतलब भागफल कितना आया है, एक आया है, और प्लस जो शेषफल कितना आया है, 90 आया है। 225 इक्वल ये सभी संख्या, इन संख्याओं को गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो इसके इक्वल ये संख्या आती है। फिर
हमें ये स्टेप तब तक करते जाने हैं जब तक इस 90 की जगह रिमाइंडर की जगह 0 नहीं आ जाता, तो हम तब तक ये स्टेप करते चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है ए होता है वहाँ तो ले आएंगे 135 को, और जो 90 है उसको ले आएंगे बी की साइड, जो बी है मतलब डिवाइजर वहाँ 90 को ले आएंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, 135 इक्वल 90। अब इस 90 का इसमें भाग देंगे 135 में, तो यहाँ 90 का 135 में भाग दिया तो एक बार भाग गया 90 आ गए, फिर इनको घटाने पर 45 रिमाइंडर बचते हैं। तो इसमें भी वही स्टेप होगी, 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, तो ये स्टेप हो गई। फिर इस स्टेप में 45 है मतलब यहाँ 0 नहीं आया है, तो क्या करेंगे, अगला स्टेप चलेंगे। अगले स्टेप में क्या होता है, जो भाजक डिवाइडर होता है वो संख्या सबसे पहले ले आएंगे, उसको हमें ए बनाना होता है। तो यहाँ 35 यहाँ क्या है, जो 90 है भाजक उसको हम भाज्य बना देंगे मतलब डिविडेंट बना देंगे, तो ये 90 यहाँ आ गया इक्वल। अब ये जो 90 है इसमें रिमाइंडर कितना बचता है, उसको बी बना देंगे, तो यार रिमाइंडर 45 बचता है। क्वेश्चेंट कितना है वो हम आगे करने जा रहे हैं, तो ये 90 इक्वल 45, तो 45 का 90 में भाग देंगे तो क्वेश्चेंट कितने आ गए, 2 आ गए, और शेषफल यहाँ 0 बचता है। तो यहाँ ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ ये 0 आ गया, इसका मतलब ये प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो हिंदी में हम लिख देंगे कि यह प्रक्रिया यहाँ तक समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप, द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है 196 एंड 38,220, तो ये भी उसी प्रकार होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें 196 स्मॉलर देन 38,220, 38,220 से छोटी कौन सी है, 196, तो 196 का इसमें भाग देंगे, तो ये यहाँ हमने भाग दे दिया, तो 196 के टेबल बोलेंगे तो एक बार ये यहाँ जाता है, फिर इसको घटाएंगे 186 रिमाइंडर बचते हैं, फिर अगली संख्या उतारते हैं तो यहाँ 2 तारीख, तो ये हो गए 1862। फिर इसमें 196 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब इसकी टेबल 9 बार करते हैं, तब आते हैं 1764, तो ये यहाँ 9 आ गया, और फिर 1764 1862 से घटाए तब 980 बचेंगे। फिर 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए 980, इस 980 से 980 गए ये 0 बचे, तो ये सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। स्टेप फर्स्ट है 38,220 इक्वल 196 इंटू 196 जो ये है, और इंटू 195 जो भागफल है वो है, प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी में हम लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होने पर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196। एचसीएफ वो होता है जो पहली संख्या मतलब जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। अब इसका थर्ड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का वो करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 167 एंड 255, इसमें स्मॉलर को छांटना है, तो ये 867 बड़ा है किससे, 255 से, तो 255 से डिवाइड करना पड़ेगा, 867 यहाँ आ जाएंगे और 255 यहाँ आ जाएंगे। तो इसको करते हैं, तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, और यहाँ आएगा क्यों,
और जो शेष पर रिमाइंडर होता है वो आर। तो इस प्रकार इसको करेंगे तो 867 ए इक्वल 255 बी इंटू क्यू, ये तीन बार इसको यहाँ से ये इसको भाग देंगे तो ये तीन बार जाएगा, फिर प्लस रिमाइंडर कितने बचते हैं 102। तो यहाँ 102 जो है वो जीरो के बराबर नहीं हुए, तो हमें अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। अगले स्टेप में 255 तो ए बन जाएगा इक्वल 102 क्या बन जाएगा इसमें बी बन जाएगा, फिर इसमें भाग देंगे तो ये दो बार जाता है, फिर रिमाइंडर बच जाते हैं 51। यहाँ भी क्या होते हैं 51 जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब स्टेप आगे तक जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है 102 इक्वल यहाँ बी कितना आया है 51, 51 में का इसमें भाग देते हैं दो बार जाता है और रिमाइंडर जीरो बचता है, तो यहाँ जीरो जो है वो जीरो के बराबर हो चुका है, तो ये स्टेप यहीं पर समाप्त होता है। फिर नीचे लिख देंगे सिंस द रिमाइंडर इज जीरो द प्रोसेस इज स्टॉप, रिमाइंडर जैसे ही जीरो हो जाता है तो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। SCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में क्या बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6 तो क्या है यहाँ बी है और एक क्या है यहाँ रिमाइंडर है, प्लस 6 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम पहले इंग्लिश में कर लेते हैं फिर इसको हिंदी में करेंगे। तो लेट्स ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर 6, तो यहाँ बी बराबर 6 क्यों दिया है, क्योंकि 6+a 6+3 6+5 ऐसे दे रखे थे, तो इसमें हमें पता चल गया बी कितना है 6 है। बाई इक्विलिड एल्गोरिथम बराबर इसका वो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है a इक्वल BQ+R। यहाँ क्या होता है जो जीरो है वो R के इक्वल नहीं होता और वो R से छोटा होता है, मतलब R जीरो से बड़ा होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए। तो यहाँ पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से आ जाएंगे, तो पॉसिबल वैल्यू यहाँ B जो है इससे छोटी होनी चाहिए, B कितना है यहाँ 6 है, तो यहाँ R कितना होना चाहिए पॉसिबल वैल्यू में 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक हो सकते हैं, तो ये R की वैल्यू आ गई। फिर क्या करते हैं, फिर बारी बारी से इनको इस सूत्र के माध्यम से सोल्व करते हैं। R बराबर 0 रखने पर क्या होता है, A इक्वल 6q+0 रखेंगे तो 0 क्या है यहाँ, ये इसमें 6 और 0 को जोड़ते हैं तो ये इवन नंबर हो जाता है, मतलब सम संख्या ये होती है। फिर अगर R को 1 रखेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, A इक्वल 6q+1, तो यहाँ 6q हमारे पास अभी तक है नहीं, तो 6+1 करेंगे तो ये 7 हो जाते हैं, तो ये ओड नंबर मतलब विषम संख्या आ गई। फिर R बराबर 2 रखेंगे तो A इक्वल 6q+2, तो यहाँ 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये इवन नंबर हमें प्राप्त होगा, मतलब सम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि जगह हम कोई सी भी संख्या रख लें हमें ये ओड इवन ऐसे ही प्राप्त होंगे। 6 के आगे अगर क्यू की जगह 1 रखेंगे तो 6 बन जाए 6+1 7 होते हैं, 2 रखेंगे तो 6 2 जाए 12+1 13, तो ये हमेशा ओड नंबर ही आता है। R बराबर 3 रखने पर क्या होता है, A इक्वल 6q+3, तो इसमें भी क्या होता है हमें विषम संख्या मतलब ओड नंबर प्राप्त होगा। R बराबर 4 रखेंगे तो A इक्वल 6q+4, तो इसमें हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। R बराबर 5 रखेंगे तो A इक्वल 6q+5, तो हमें ओड नंबर प्राप्त होगा। तो अब क्या करते हैं आगे, दी एनी पॉसिबल ओड
इज इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5। तो यहाँ और नंबर पॉजिटिव नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। तो हमें यहाँ इवन नंबर हटाकर सिर्फ ऑड नंबर लेने हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर हिंदी में देखते हैं, बी जो है वो भाजक था वो कितना है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 6 है। फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि 0 बराबर जो है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बी कितना है 6, तो शेषफल कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो शेषफल इन पांचों संख्याओं में 6 संख्याओं में हो सकता है। ए बराबर 6³ + 0, ए बराबर 6³ यहाँ 1 रखने पर, यहाँ आर 2 रखने पर, यहाँ आर 3 रखने पर, यहाँ आर 4 रखने पर, यहाँ आर 5 रखने पर हमें वही प्राप्त होते हैं जो इधर प्राप्त हुए थे। फिर नीचे लिखेंगे ए जो है वो एक विषम पूर्णांक है, जो हमें ए प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक विषम पूर्णांक है। अतः 6³ + 2, 6³ + 4 का रूप इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सम पूर्णांक है, बल्कि हमें ए जो विषम पूर्णांक है वो लेना है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होते हैं, इसलिए 2 से विभाजित होने वाले सम पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक लेना है, क्योंकि ए हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 हो जाएंगे। तो ये विषम पूर्णांक हमें यह प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही हमें इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहाँ संख्या बनी है 616 और 32। तो हम पहले इसमें से बड़ी छोटी को छांट लेते हैं। 616 है वो 32 से बड़ी है, ग्रेटर है 32 से 616। तो हम स्टेप वाइज वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पहले स्टेप में ए कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे 616, बी में कितना आ जाएगा, बी में आ जाएगा 32, क्यू हमें जो भागफल है वो हमें प्राप्त करना है। तो 32 का 616 में हमने भाग दिया, इसको डिवाइड किया, तो ये 19 टाइम्स जाता है, फिर रिमाइंडर के रूप में हमें ऐड प्राप्त होता है। तो ये स्टेप यहाँ एट बराबर 0 के बराबर नहीं है, जो एट रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं होने पर हमें अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ए बराबर रखेंगे 32 और जो एट आया है रिमाइंडर वो लिखेंगे बी के बराबर में। तो 32 इक्वल एट, फिर एट का 32 में भाग दिया तो हमें 4 प्राप्त हो गए और रिमाइंडर के रूप में हमें 0 प्राप्त हो गया। तो ये स्टेप यहीं पर समाप्त हो जाता है। एस सी एफ ऑफ 616 और 32 का कितना हो गया, 8 हो गया। द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। फिर अगर हम इसको हिंदी में देखें तो पहले हम इसको इसी प्रकार करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या एस सी एफ से हमें प्राप्त करनी होती है। 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम एस सी एफ निकालते हैं। तो उससे पहले हम ये करने के बाद में ये दोनों स्टेप इसमें किए जाते हैं, फिर अंत में लिखा जाता है। अतः सेना द्वारा मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो हमें 8 आंसर के रूप में यहाँ प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। 3 यहाँ क्या है, b है, और m जो है वो क्या है, q है, प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर है।
तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो इस आधार पर हमें करना है। इसमें हमें संकेत दिया है, यह मान लीजिए कि अक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ वर्ग दे रखा है, मतलब स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ हमें b तो पता चल गया कि कौन सी संख्या है, तो सभी में 3 3 आ रहे हैं, तो हमें यह तो पता चल गया b इक्वल कितना है, 3 के बराबर है। तो b तो यहाँ क्या है, 3 है, और r 0 1 और 2 है, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए r, तो r के तीन फॉर्म 0 1 और 2 होते हैं। फिर हम स्टेप वाइज इनको करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने में ही बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। चार में क्या है, अपने आप को इसमें सिद्ध करना है कि आंसर 3m या फिर 3m+1 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर, बी इक्वल कितना है, 3 दे रखा है। यहाँ ये जो b है ये दे रखा है, m जो है ये q वाला है, तो ये हमें दे नहीं रखा है, प्लस 1 जो आगे दे रखा है वो क्या है, r है, तो ये हमें दे रखा। इक्विलिड डिवीजन लेमा के आधार पर इसका जो फॉर्मूला है वो है a इक्वल bq+r, a बराबर 3q+ आर, इसका ये हो जाएगा क्योंकि ये 3 इसमें दे रखा है, क्यू जो एम जो है ये इक्विटेटर जो है ये हमें दे नहीं रखा है, प्लस आर हमें दे रखा है 1। तो क्या करना है, ये जो 3 आया है, जो बी है इससे छोटी, आर जो है ये इससे छोटा ही होगा। वेयर 0 जो है वो आर के बराबर हो सकता है, मगर वो आर से बड़ा नहीं हो सकता, आर से छोटा होगा। और जो बी है, जो यहाँ 3 दे रखा है बी वाला, वो आर से छोटा होगा ना कि बड़ा, और आर से बड़ा बी होगा, मतलब 3 जो है वो बड़ी संख्या है, इस 3 से छोटी संख्या 0 1 2। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कौन कौन सी आ जाएंगी, आर इक्वल 0 1 और 2, ये 3 पॉजिटिव नंबर आ गए। बिकॉज 0 इक्वल या फिर लेस देन आर, फिर लेस देन 3, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर वेन, सबसे पहले हम 0 को लेते हैं, आर की जगह 0 लेते हैं, तो ये बनेगा ए इक्वल 3q+0। फिर हमें इसमें क्या बताया गया, वर्ग बताया गया, मतलब स्क्वायर, तो हम इसके स्क्वायर लगाते हैं। सबसे पहले हमने ए के स्क्वायर लगाया, फिर 3q है इसके स्क्वायर लगाया, 0 के स्क्वायर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 0 के स्क्वायर हमने नहीं लगाया। ए स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा करना है, तो यहाँ 3 है, 3 को 2 बार किया, 3 × 3, तो ये कितने हो गए, 9 हो गए। और क्यू को भी 2 बार किया, q × q, तो यहाँ 2q नहीं होंगे, बल्कि यहाँ क्या होंगे, इनके जो ऊपर घात लगी होती है, एक एक घात मान लेते हैं, तो जब आधार मल्टीप्लाई होता है तो ये जो घातें होती हैं ये जुड़ जाती हैं, तो 1+1 2 हो गया, तो क्यू की स्क्वायर हो गया, मतलब 2 हो गया। फिर ए, या फिर इसको आगे लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल, तो हमें ये 3m लाना है, तो 3m कैसे लाएंगे, तो 3 को इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, और क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया, तो यहाँ क्या है, ये m क्या हो गया, 3q² जो है वो m हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हम x1 मान लेते हैं। फिर r की जगह हम 1 रखेंगे, तो r की जगह हम 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, a इक्वल 3q+1। फिर इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे आगे, तो ए स्क्वायर इक्वल 3q+1, इन दोनों के स्क्वायर लग जाएगा। फिर क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है मैथ वाला,
अगर ए ये स्क्वायर वाला, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए जो है वो तो है 3Q, बी जो है वो है 1। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3Q, यहाँ ए स्क्वायर दे रखा है तो 3Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q स्क्वायर। फिर 2AB दे रखा है तो 2 को 3 और 1 इनको गुणा करना है, तो 3 2 या 6 और 6 1 या 6, तो 6Q इसमें हो जाएगा। इसमें स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2AB में स्क्वायर नहीं दे रखा। फिर बी स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, इसका एक ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें भी हमें 3 लाना है, तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है 3m+1 लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें उस संख्या का भाग देंगे जो दो से विभाजित, दोनों संख्याओं से विभाजित वो हो जाता है। ए स्क्वायर इक्वल 3 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो 9 का 3 टाइम हो गया, 3Q² हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 2Q हो गया, और आगे ब्रैकेट के बाद में 1 का 1 आ गया प्लस के रूप में। तो ये 3Q² प्लस 2Q है, ये क्या हो गया, ये m की जगह आ गया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 3, इसको मान लिया हमने x2 प्लस 1, इसको x1 माना है, इसको x2 मान लिया प्लस 1। फिर आगे r बराबर, r को 2 मानने पर क्या होगा, a इक्वल 3Q प्लस r, तो इसमें भी क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल 3Q प्लस 2, फिर इन दोनों का होल स्क्वायर। फिर इसमें भी यही सूत्र लगेगा, तो इस सूत्र के आधार पर इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल ये क्या है ए और ये क्या है बी, पहले ए स्क्वायर करेंगे तो 3 3 या 9Q² फिर 2AB करेंगे तो 3 2 या 6, 6 2 या 12 है, 12Q, फिर 2² करेंगे तो इसका 4 हो गया। फिर m लाना है तो ये q की जगह हमें क्या लाना है, m लाना है, तो ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे दोनों से वो डिवाइडेड हो जाए। 2 को करेंगे तो 2 में 9 से डिवाइड नहीं होता, 12 से हो जाएगा, 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, तो नीचे क्या होगा। फिर पहले ये देखो, यहाँ 4 है तो 4 तो 3 से बड़ा चल गया, तो हमें 4 जो है वो 3 से बड़ा नहीं ले जाना, r जो है वो 3 तक ही हमें रखना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3+1 में। फिर हम इसमें आगे करते हैं 3 से, तो 3 3 या 9Q² प्लस 3 4 या 12 है, प्लस 3 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बार हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3Q² प्लस 4Q+1 जो है ये क्या हो गया, अपना m हो गया। फिर इसको ए स्क्वायर इक्वल 3, इसको x3 हमने मान लिया, ये x1 था इधर, ये x2 और ये थर्ड वाला x3+1, तो इस प्रकार ये हो गया। फिर नीचे लिखेंगे x1 x2 और एंड x3 जो है आर सम इंटीजर्स, तो x1 x2 x3 क्या है, सम इंटीजर्स हैं, यहाँ x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, तो ये यहाँ हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होगा। तो यहाँ पहले वाले में क्या दिया था, यहाँ हमें वर्ग दिया था, इसमें हमें वर्ग दिया था और यहाँ हमें घन दिया है, तो ये क्वेश्चन भी इसी की तरह सेम होगा, मगर यहाँ यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब हो जाएगा, जो घात है वो क्यूब के रूप में लगेगी, और यहाँ जो है ये 9 9 9 सभी में दे रखा है, तो बी बराबर 9 ना होकर क्या करेंगे, 9 तक करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो 9 को हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 से ये डिवाइड हो जाता है, 3 3 या 9, तो यहाँ हम 9m+1 और 9m+8 की जगह 3m 3m+1
प्लस 8, इस प्रकार इसको हमें लिख देंगे। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम ये 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो इसको हम सिद्ध करके यहाँ दिखलाएंगे। तो अपना ये जो 9 है ये क्या है, b है। इसको हमने कितना मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया। तो लेट्स a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल 3। b को किसके इक्वल मान लिया, 3 के इक्वल मान लिया। तो बाई इक्विलिड एल्गोरिथम के आधार पर वो फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ वही होगा, जीरो जो है वो r से r के बराबर हो सकता है मगर r से बड़ा नहीं हो सकता। b जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा। तो यहाँ हम जो पहले क्वेश्चन में लिया था, r इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 0, 1 और 2 के। तो वो सबसे पहले हम 0 लेते हैं, r इक्वल 0 लेने पर तो क्या होगा, a इक्वल 3q। तो हम यहाँ घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ 3 ऊपर लग जाता है। तो a क्यूब इक्वल 3q क्यूब, तो ये यहाँ ऐसा बन जाता है। फिर क्या करेंगे, इसमें जो क्यूब वाला सूत्र है वो ये है, वर्ग वाला तो वो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस प्रकार ये सूत्र हो जाएगा, चाहे तो ये बी क्यूब पहले लिख दो या फिर लास्ट में लिख दो। तो इस सूत्र के आधार पर इसको हमें करेंगे। तो इसमें क्या है, 3q जो है वो a के स्थान पर आ जाएगा और b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं a क्यूब इक्वल 3q क्यूब में क्या हो जाएगा, 3 की टेबल, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27q क्यूब, और 0 का क्यूब करने पर हमेशा 0 ही रहता है। फिर a क्यूब इक्वल हमें 9 वाला आंसर लाना है, तो 9 से इसको 27 को डिवाइड करेंगे, तो 9 बार रख लिया, तो 9 की टेबल कितने बार बोलेंगे, 27 आ जाए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 3q क्यूब क्या हो गया, ये m के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो m बराबर किसके बराबर हुआ, ये m 3q क्यूब के बराबर, यहाँ m हमें प्राप्त हो चुका है। फिर हम r को 1 मानेंगे, तो क्या करेंगे, a इक्वल 3q प्लस 1, इसमें भी क्या लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें r जो a है वो a क्यूब इक्वल जो हमने 3q है उसको क्या माना है, a क्यूब, तो a क्यूब 3 का कितना हो गया, 27 क्यूब। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें हमें b क्यूब जो 27q स्क्वायर है वो कैसे आया, वो हम फिर हमने a क्यूब कर लिया, फिर b क्यूब, b अपना कितना है, ये b कितना माना, 1 माना, जो r है वो क्या है, यहाँ b है, तो इसका 1 का 1 ही रहेगा। फिर क्या करते हैं, 3a स्क्वायर b वाला करते हैं, तो इसमें 3 ले लिया, a कितना है अपना, 3q, 3q a है और b कितना है, 1, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर होगा, तो 3 3 जा 9, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ जाएगा, 27q स्क्वायर। फिर ये 9q किसका आया है, ये आया है आगे वाले का, 3ab स्क्वायर, 3 तो हमने यहाँ ये आ गया, a कितना माना है, 3q, तो 3q जो है वो क्या है, a है, तो 3 3 जा 9, आगे 1 का 1 रहेगा, तो 1 को उसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही संख्या आएगी, तो ये 9q हो गया। फिर हमें 9m+1 प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 9 का भाग देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, a क्यूब
इक्वल 9 से इसको विभाजित करेंगे तो 9 के टेबल में 27 थ्री टाइम आता है तो 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 के में 27 का करेंगे 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 का 9 से करेंगे तो अकेला क्यू रहेगा, फिर ये आर वाला है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये जितना भी ये अंदर है ब्रैकेट के अंदर इसको हमने एम माना, तो ये एम बराबर हो गया 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के बराबर, तो ये हमने इसको मान लिया। फिर हम आर को 2 मानिए तो उसके आधार पर इसको करते हैं, तो ए इक्वल 3 क्यू प्लस 2, तो 3 क्यू है वो अपना ए है और 2 जो है वो अपना बी है, इस सूत्र के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर। तो ए क्यू इक्वल 27 क्यू क्यूब, यहाँ जो 54 क्यू स्क्वायर है वो इस 27 की तरह ही है, 27 में हमने एक था और एक की जगह यहाँ 2 हो गया, तो 27 दूनी 54, 2 बार करेंगे तो 27 दूनी 54, यहाँ 9 है तो यहाँ 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का स्क्वायर करना है, यहाँ यहाँ क्या दे रखा है बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36 आ गए, 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है वो 8 होता है, तो हमें 9m प्लस 8 प्राप्त करना है, तो 8 तो r हो गया वो बाहर रहेगा और 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ए क्यूब इक्वल 9, 27 से करेंगे 3 क्यू स्क्वायर, 54 से करेंगे 6 क्यू स्क्वायर और 36 से करेंगे तो 4 क्यू, तो ये 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू ये क्या है एम है, तो एम के बराबर ये हो गए, तो 9m + 8 यहाँ हो गए, तो ये क्या है ये पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है। तो हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं कि संभावित शेषफल 0, 1, 2, ऐसे इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर क्या होगा नीचे, नीचे हम इसको लिखेंगे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8, ये पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है।